आपकी मंथली यूट्यूब इनकम क्या है? तो हर कोई जानना चाहता है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब की मंथली इनकम कितनी है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड सारा कुछ बात, तो कि कैसे वर्क करें एंड आपकी तरह कैसे एक अच्छा ब्लॉगर बन सके। सबसे पहले तो आप कुछ भी करो ये मत सोचो कि मेरे पास आईफोन नहीं है, बड़ा महंगा वाला आईफोन नहीं है। बहुत सारे लोग का भी होता है गाइस कि मेरे पास फोन नहीं है, अच्छा माइक नहीं, तो फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 3 GB रैम पास फोन हो उसी से आप कर सकते हैं। और देखो घर वाले भले ही रिचार्ज का पैसा ना था भाई साहब, हम खुद दूसरे के यहाँ काम करते थे उसी से। कि मनोज दे जो है यूट्यूबर, तो उनका नेचर कैसा? आप तो डायरेक्ट मिल चुके हो, ठीक है, तो आप बताओ। उस मेरे को एक यूट्यूबर से नजर से देखते हैं, बाकी देखूंगा तब ना, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली थी, बैठकर साथ में खाना खाए थे, इधर उधर घूमे थे भाई, बहुत अच्छा लगा था। जो मेहनत करता है उसे मनोज ने 100% सपोर्ट करता भाई, ही करता 101% भाई। वो बंदा भाई एकदम। आप अपना मीटअप कब कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो आपके फैंस है, सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो मिलना चाहते हैं एंड उनको एड। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर पॉडकास्ट। दोस्तों आज हमारे साथ है मुकेश सैनी, विलेज ब्लॉग के बादशाह, आप तो इन्हें जानते ही होंगे, गरीब एमएस ब्लॉग्स एके मुकेश सैनी गाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गरीब एमएस ब्लॉग यानी मुकेश सैनी की लाइव स्टोरी एंड यूट्यूब जर्नी के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मुकेश भाई के पास जाओ एंड उनका पॉडकास्ट लो, तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ मुकेश भाई के घर एंड उनका पॉडकास्ट गाइस लेने वाला हूँ एंड बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड कोई घिसा पीटा पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, ना इंटरव्यू, एकदम न्यू एंड फ्रेश कंटेंट देखने को मिलेगा गाइस एंड बहुत सारे इनसे सीक्रेट्स जानेंगे आज की इस वीडियो में एंड बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड आपको बताते हैं मुकेश सैनी एंड गरीब एमएस ब्लॉग के बारे में सब कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल मुकेश भाई, तो कैसे हो आप एंड कैसे चल रही है आपकी यूट्यूब जर्नी? सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ। एकदम झक्कास चले जिंदगी और अपनी यूट्यूब लाइफ एकदम चकाचक। हाँ तो आप बताओ कि आपने अपने YouTube चैनल की स्टार्टिंग कैसे की मुकेश भाई, एंड बहुत सारी ऑडियंस जैसा कि आपकी जानना चाहती है जो अभी बिगिनर यूट्यूबर आ रहे हैं अभी ब्लॉग कैटेगरी में, जी, आपकी जी, तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, तो उनके लिए आप गाइडेंस क्या देना चाहते हो, कैसे हो, क्या काम करें जैसा आपकी तरह यूट्यूबर बन पाए? सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नमस्ते। और हमारी जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी लगभग 3 साल पहले लगभग 3-4 साल पहले हुई थी, कोई फिक्स नहीं है। तो एक दोस्त के साथ हम वीडियो बना रहे थे, गेमिंग वीडियो, फ्री फायर। अच्छा अच्छा, गेमिंग से स्टार्ट की थी। तो 10 महीने तक वीडियो बना रहे थे 3 GB रैम के फोन में, रियलमी 5 जो कि अभी हमारे पास वो फोन है, 5 साल पहले का ये फोन, 5-6 साल। अच्छा, 3 GB रैम है इसमें, 3 GB रियलमी 5 का है। अच्छा, आज से कितने साल पहले? लगभग 4 साल के आसपास, 4 साल पहले। तो उस पर 5,000 सब्सक्राइबर्स हुए, फिर हम दोनों के दोस्तों के बीच थोड़ी बहस हुई, थोड़ी बहुत क्या हुई मतलब, अच्छा, मन मोटा चैनल हड़पना चाहता था, सही जनता। अच्छा, बिल्कुल, मेरा ही 90% मेहनत था, लेकिन बस मैं दोस्त के नाते उसको लिया था चैनल पर। हाँ, दोनों साथ मिलकर काम करे। अब वो चैनल ले लिया, फिर मेरे अंदर वो आ गई मतलब कि भाई एक भावना हो जाती ना कि इसको कैसे भी करके दिखाना कि मैं भी कर सकता हूँ अकेले। तो फिर मेरे अंदर आई कि मतलब चलो अब शुरू करते हैं। फिर मेरा ये जो गरीब एमएस ब्लॉग्स है, पहले एमएस गेमिंग नाम था, तो इस पर मैं वीडियो डालता रहा 8 महीने तक, गेमिंग वीडियो लगातार आपको कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने इसका चैनल का नाम रख दिया गरीब एमएस गेमिंग। और 8 महीने तक वीडियो डालने के बाद हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए जितने भी क्राइटेरिया की जरूरत होती है वो सब कंप्लीट हो गए। मैंने तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो अब एक वीडियो बना देते हैं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरा अब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने वाला है और मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। मैंने सेम वही किया। फिर क्या हुआ कि मैंने गेमिंग वीडियो पर, गेमिंग चैनल पर ये वीडियो डाला कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एज अ ब्लॉग हो गया, मतलब अपना फेस्ट वगैरह दिखाया वगैरह वगैरह, तो वो वीडियो मेरी चल गई। नॉर्मली मेरे वीडियो में व्यूज आते थे 200, 500, 1,000। अब वो वीडियो में अगले दिन मैंने उठा तो देखा भाई 18,000, शाम तक 1,00,000 पार। तो मेरे तो भरोसा ही नहीं हो रहा भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब वो वायरल चली गई। हाँ, पूरा कार एकदम वायरल हो गए। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने गेम वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर मेरा एक बार गूगल एडसेंस फिन आया, फिर वो भी वीडियो मेरे एकदम धक्कार के वायरल, एकदम भयानक। फिर से मैं, तब से मैं ब्लॉगिंग करने लगा, गेमिंग छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मतलब कि फर्स्ट वायरल वीडियो आपका कौन सा था? मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन एंड उस पर कितने व्यूज गए थे मुकेश भाई? उस समय अगले दिन 24 घंटे में लगभग 1,00,000। अच्छा, 100K व्यूज क्रॉस कर गए थे। हाँ, एंड कितने टाइम से आप वीडियोस डाल रहे थे उस चैनल पे? उस चैनल पर मैं लगभग उस समय जब 100K वीडियो प्लस हुए थे, व्यूज प्लस हुए थे, तब 10 महीना उधर का एक चैनल था और 8 महीना ये, लगभग 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल बाद मेरी एक वीडियो चली थी। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है मुकेश भाई कि आप जब यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरुआत की थी अपने यूट्यूब चैनल की, तो फैमिली का क्या कुछ सपोर्ट था आप वो बताओ कि फैमिली सपोर्ट करती थी? फैमिली का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, ऊपर से मेरे को नेगेटिव जैसा होता ना कि ये तुच्छ इंसान है, क्या कर रहा, पागल हो गया, फालतू, हमेशा ये फालतू मोबाइल में फंसा रहता है। मतलब मेरे को एक ऐसे नजर से देखते हैं जैसे मैं कोई
कांड कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसा कुछ। इसे मतलब कि बहुत घृणा की नजर से देखते थे, मतलब उनका भी देखने का नजरिया सही था। माता पिता कोई नहीं चाहेंगे कि फालतू काम करे, क्योंकि आसपास का कोई एग्जांपल नहीं था उनके नजर में जिसको देखकर मेरे को बोले कि चलो वो कर रहा तो ये भी कर रहा, सही कर रहा, क्योंकि यूट्यूबर आपके एरिया में है ही नहीं, तो कोई भी अच्छा नहीं कहता था। गाँव पड़ोसी टोला पड़ोसी सब लोग बुरे कहते थे। मुकेश भाई, थर्ड क्वेश्चन ये होता है हमारी ऑडियंस की तरफ से, आपका स्ट्रगलिंग जर्नी कैसे रहा एंड कितना हार्ड वर्क रहा आपके स्टार्टिंग यूट्यूब जर्नी में, एंड क्या कुछ आपका रहा कि मतलब कैसे आपने इतना ज्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपने कैसे कंप्लीट किया, एंड यूट्यूब का आपको आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब पर चैनल बना के इतना अच्छा खासा ऑडियंस बिल्ड किया जा सकता है और इतना अच्छा खासा ऑडियंस बिल्ड करके इतना अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, यूट्यूब का आइडिया आपको कहाँ से आया आप ये बताओ। सबसे पहले हम लगभग 4-5 साल पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे। अच्छा, तो जब टिकटॉक बैन हुआ तो अंदर ये था कि फिर से मेरे को फेम चाहिए, फिर वही एक दोस्त के साथ मैंने ये सब पर जब टिकटॉक था, टिकटॉक के टाइम पे कितना फॉलोअर्स था तब आपके? 5 लाख प्लस। अच्छा, 500 के प्लस आपके फॉलोअर्स थे ऑलरेडी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर एक दोस्त को मैंने ये सब बात बताया तो उसने बोला कि भाई तू यूट्यूब पर करना, तो तेरे को एडिटिंग वगैरह तारा कुछ आता है तो कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी गेम प्ले वगैरह डाल, हम दोनों मिलकर डालते हैं। तो हम दोनों ने शुरू कर दिया, तो वहीं से हमारी यूट्यूब जर्नी की आइडिया आई थी और वहीं से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी वही टिकटॉक के बाद। फिर क्या हुआ कि 3GB RAM का फोन था तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, गेमिंग प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होता था। सबसे मेन प्रॉब्लम ये था वीडियो बनता ही नहीं था भाई, मतलब रिकॉर्डिंग करते रहे होगे आप। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतनी प्रॉब्लम आती थी ना भाई, प्लान था हम लोग का, गेम प्ले वो करता था, वीडियो में रिकॉर्ड करता था, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ मैं करता था, क्योंकि उसके पास भी महंगा फोन नहीं था, मेरे पास भी महंगा फोन नहीं था, तो ये हम लोग का इस तरीके से वो गेम प्ले करे मैं रिकॉर्डिंग करूँ, इस वजह से मेरा हम लोग का वीडियो बन जाता था, क्योंकि फोन से रिकॉर्डिंग करना, वीडियो करना, एडिटिंग करना, गेम प्ले करना पॉसिबल नहीं था, बहुत मुश्किल होता था, तो ये सब दिक्कतें झेलना पड़ता था। फिर ऊपर से क्या है, घर वालों को मतलब बहुत बुरा लगता था, तो रिचार्ज के भी पैसे नहीं देते थे। फिर क्या था कि हमने मालूम तो था नहीं इससे पैसा वैसा आता है। हाँ, वही बात, जब आप बताते रहे होंगे कि YouTube से पैसा भी आता है तो उनका रिएक्शन क्या होता था कि पैसा वैसा आएगा कि नहीं? नहीं, मेन बात यह है कि हम बता ही नहीं पाते थे, इतना हम सोचते नहीं थे घर वालों की ये कह सके कि इससे पैसे भी मिलते हैं, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं थी। अच्छा, उनको बताने की हिम्मत? मेन बात क्या है ना, हम बता ही नहीं थे, बताते ही नहीं थे घर वालों की मेरा चैनल भी है। हाँ, एक 1.5 साल तक तो बता ही नहीं था कि मेरा वीडियो डालते गए, डालते हाँ, डालते गए। जब मेरा वीडियो एक चल गया तो मैंने घर वालों को बताया कि ये देखो गूगल एडसेंस पिन आया है, दूसरा वीडियो चला था। अच्छा। तो घर वाले कहे ये क्या है गूगल एडसेंस पिन, ओ आ सरकारिया वो पोस्टमैन दिया रहे निकाल का कागज वगज, पता नहीं क्या वो जा देख ले, पता नहीं क्या कहे। मैंने बोला कि अभी पैसे आने लगेंगे, तो वो घर वालों को भरोसा नहीं हुआ, मजाक कर रहा होगा ऐसा कुछ। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती थी, टोला पड़ोसी सब लोग पागल वगैरह बोलते थे, तो मतलब मजा नहीं आता था भाई कि ये अपना मतलब मेहनत करो और सामने वाला मतलब ऊटपटांग बातें बोले तो बहुत बुरा लगता था भाई। और उसके बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया भाई साहब, इतनी खुशी भाई, मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, इतनी खुशी। हाँ, फर्स्ट पेमेंट कब आया था मेरा? जब मैं यूट्यूब पर आया ना, लगभग 2-2.5 साल बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। 2-2.5 साल लग गए जब मैं यूट्यूब पर आया, तो 2-2.5 साल बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, मतलब 2-2.5 साल बिना पैसे के लगातार मेहनत करते लगातार भाई, बहुत दिक्कत थी। गाइज, आप लोग बहुत सारे लोग जो यूट्यूब जो बिगिनर यूट्यूबर है, जो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग यूट्यूबर 2-4 वीडियो 2-3 महीने काम करते हैं, 6 महीने 7 महीने या 2-3 महीने में ही क्विट कर देते हैं, बट देख लो यहाँ 1 साल 1.5 साल 2 साल लगातार गाइज वीडियो अपलोड करते रहे बिना किसी लालच के, ठीक है? और 365 दिन में भाई साहब 365 वीडियो थे मेरे चैनल पर। हाँ, डेली एक वीडियो पड़ता ही था गाइज, देख सकते हो यहाँ मोटिवेशन खड़े हुए हैं आपके सामने गाइज, यहाँ मुकेश भाई ने लगा हर दिन वीडियो अपलोड करते थे 365 दिन, आज भी इनका जो है रेगुलर वीडियो आता है, ठीक है? हर दिन आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो, इनके वीडियो आता ही आता है। तो ऐसे अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो इनको फॉलो कीजिए, मुकेश भाई को, ठीक है? क्योंकि जिस तरह का वर्क कर रहे हैं आप देख रहे हो गाइस, ठीक है? 1 मिलियन प्लस इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर है एंड काफी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं एंड आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट से। तो मुकेश भाई, बहुत सारे ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन होता है कि मुकेश भाई आपकी मंथली यूट्यूब इनकम क्या है, तो फाइनली हमारे चैनल पे रिवील करो कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो एंड आपकी मंथली इनकम क्या है, तो फाइनली आज रिवील कर दो हमारे चैनल पे कि कितनी आपकी यूट्यूब इनकम है। हर कोई जानना चाहता है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब की मंथली इनकम कितनी है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड सारा कुछ बात। सबसे पहले तो देखो, हर एक यूट्यूबर का इनकम मंथली फिक्स नहीं होता, इसलिए 100% लोग 99% फिक्स होता है, कोई भी यूट्यूबर अपना एग्जैक्ट इनकम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं होता तो भाई कहाँ से बताएंगे। क्योंकि व्यूज के अकॉर्डिंग आता है ये सब ना। और मैं बताऊँ अपना मंथली इनकम ना, तो लगभग ऐसा इतना आता है ना भाई कि अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। मतलब आप एक महीने में क्या इतना कर सकते हैं कि मतलब 7-8 GB RAM का फोन ले सकते हैं आराम से, 7-8 GB का RAM। तो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुकेश भाई कितना अर्निंग करते हैं, ठीक है?
तो मुकेश भाई और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपकी तरह जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आपकी तरह जो स्ट्रगलिंग यूट्यूबर, आपकी तरह एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो, उनके लिए सजेशन क्या देना चाहते हो कि कैसे वर्क करें एंड आपकी तरह कैसे एक अच्छा ब्लॉगर बन सके? सबसे पहले तो आप कुछ भी करो उसके बारे में आपको मतलब एकदम होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा तो कर लूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप करो तो ये मत सोचो कि मेरे पास आईफोन नहीं है, महंगा वाला फोन नहीं है। बहुत सारे लोग का ये भी होता है गाइस कि मेरे पास फोन नहीं है, अच्छा माइक नहीं है और क्या कहते हैं कैमराज नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। और ये नहीं कि मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सब नहीं सोचना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 3 GB रैम के पास फोन हो उसी से आप कर सकते हैं। और देखो घर वाले भले ही रिचार्ज का पैसा ना था, भाई साहब हम खुद दूसरे के यहाँ काम करते थे उसी से रिचार्ज करते थे, तब जाके आज कुछ रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब से। हाँ तो काफी ज्यादा मुकेश भाई ने मेहनत किया हुआ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 4 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे गाइस, और बहुत सारे लोग 2-3 महीने में क्विट कर देते हैं और बोलते हैं यूट्यूब पर हम सक्सेसफुल ही नहीं हुए। तो मुकेश भाई बहुत सारे ऑडियंस का यह भी क्वेश्चन होता है कि मुकेश भाई आपकी एज कितनी है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है। तो फाइनली आज हमारे चैनल पर रिवील कर दो कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मुकेश भाई की एज कितनी है। मेरा जो जन्मदिन है वो 13/4/2003 है। हाँ तो बाकी आप समझदार हो तो आप जाके गाइज उसके अकॉर्डिंग ठीक है कैलेंडर में मिला सकते हो कितना एज है। एंड गाइज अब आगे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मुकेश भाई से। तो मुकेश भाई बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, तो फाइनली रिवील करो आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। जी जरूर, तो आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो हमने ऑलरेडी बता चुका है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे GF वगैरह के बारे में, A to Z जो अपने लाइफ पार्टनर होती है, और पहले उनसे बातचीत वगैरह जिनसे होती थी, अपने पसंद जो भी पसंद की थी लड़की उनसे मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है, और इसी साल लगभग शादी भी हो जाएगा अपना घर वगैरह का काम होने के बाद। हाँ तो गाइस जैसे आप मुकेश भाई के ब्लॉग्स देखते होंगे तो इनका अभी घर का काम पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा कुछ, तो अभी इनका काम चल रहा है घर का, मैंने भी अभी देख के आया है, ठीक है, तो काम चल रहा है एंड इस साल के एंड तक बोल रहे हैं मुकेश भाई तो शादी भी कर लेंगे। तो भाभी का तो जैसा आपको रिवील कर दिया चैनल पे, अगर मुकेश भाई के आप सब्सक्राइबर हो तो जानते ही होंगे कि मुकेश भाई ने ऑलरेडी अपने चैनल पे भाभी को रिवील कर दिया है। तो मुकेश भाई और भी बहुत सारे ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी स्टडी कहाँ तक कम्प्लीट हुई, आपकी एजुकेशन क्या कुछ है, हम बता दो। पढ़ाई 12th रखे हैं। अच्छा 12th पास आउट हुआ। तो मुकेश भाई बहुत सारे ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप अपना मीटअप कब कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो आपके फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो मिलना चाहते हैं एंड उनको एड्रेस भी मालूम नहीं है, ठीक है, मैं खुद ही कैसे कैसे आऊँ मुझे ही पता, इतने अंदर में इनका घर है। तो आपसे जो ऑडियंस है, जो आपके सब्सक्राइबर है, जो आपकी ऑडियंस आपसे जो मिलना चाहती है, वो कैसे मिल सकते हैं एंड आप मीटअप कब कर रहे हो, फाइनली आप आज बताओ इस पॉडकास्ट में। जरूर जरूर जरूर। तो सबसे पहले देखो हम यूपी के जिला सिद्धार्थनगर में रहते हैं, और हमारे बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड भी किया है बहुत सारा, और इधर उधर से पता ही चल जाएगा, गांव का नाम नहीं बता सकते, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि ऑलरेडी काफी लोग मिलने आते हैं तो कभी कभार क्या होता है हमारा खुद का ब्लॉग ही नहीं बन पाता है, तो इसके लिए गाँव का नाम नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करते हैं ना तो मिल ही जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जिसको अगर मिलना हो तो मेरे पास DM करना, देन मैं बताता हूँ सबको एड्रेस। और भाई ने पूछा मीटअप कब रखोगे, तो जब शादी वगैरह हो जाएगा तब हर एक कामों से फुर्सत हो जाएगी, कोई भी काम नहीं रहेगा, तब कहीं आसपास जहां थोड़ा ऑडियंस होगा, ऑडियंस जहां आपका हो, तो क्या लग रहा है कि लखनऊ में प्लान कर सकते हो आप? हाँ कोई फिक्स नहीं, वहाँ पर भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं, क्योंकि लखनऊ पास में है, ठीक है, बस्ती के पास ही में है तो वहाँ भी कर सकते हैं। बट आप लोग इनके वीडियो में कमेंट करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि मीटअप कहाँ करें मुकेश भाई, ठीक है। और जो ऑडियंस हमारी है ये भी जानना चाहती है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स, आप कितने भाई बहन हो एंड आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आज वो बताओ। मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई है जो कि अभी बगल में ही है, और मेरे एक बड़े भैया हैं और 2 बड़ी बहनें हैं, अम्मी पापा, और मेरी भाभी भी हैं, उनके एक छोटे से बच्ची भी है, छोटी दीदी की भी 3 बच्चे हैं, लेकिन समझ लो वो तो शादी हो चुका है लेकिन फिर भी अपने ही है। हाँ दीदी से भी आया गाइज मिले, बहुत ही अच्छा है, इनकी जो फैमिली है गाइज बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी, आते ही एकदम अच्छे से बैठाया, पानी वानी पिलाया, ठीक है। और मुकेश भाई तो शूट करने गए थे अपना वीडियो, ब्लॉग का Q&A आने वाला है, ठीक है, आज ही आएगा। तो गाइज बहुत ही अच्छी इनके जो फैमिली है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आया मैं इतना दूर से आया, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी मुकेश भाई की फैमिली ने एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग गाइज दूर से देखते हैं कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा मुकेश भाई में, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं गाइज, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, जैसे हम एक बंदा नॉर्मल नहीं होता, आम आदमी की तरह वैसे ही बात करते हैं, नहीं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया तो हवा में उड़ने लगे। गाइज बहुत ही अच्छा इनका नेचर है, अगर आप कोई भी मिलने आते हो आपसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं एंड अच्छे से आप बात करते हैं। तो मुकेश भाई बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, आप कैसी लाइफ चाहते हो, ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम एक है कि इतना करना है कि कोई मेरे को ये ना बोल सके
कि अपने माता पिता को खुश नहीं रख रहा है, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख रहा है, या तो मतलब मेरे को इस तरह से कोई कंपैरिजन ना कर सके, वाइफ और माँ बाप का जो एक कॉम्बिनेशन होता है एक लड़के के लिए, वहाँ पर कोई कमी ना निकाल पाए, क्योंकि अक्सर माँ बाप और वाइफ एक लड़का घिस जाता है, तो वो कोई कमी ना निकाल पाए, भाई ये मेरा सही हो जाएगा ना, तो भाई उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं मुकेश भाई कि अपने मॉम एंड डैड को, ठीक है, माता पिता को वो खुश रखना चाहते हैं, एंड अपनी धर्म पत्नी होने वाली वाइफ को, ठीक है, अपनी भाभी को खुश करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ए फैमिली को भी साथ में लेके चलते हैं, अपना यूट्यूब जर्नी भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो मुकेश भाई, इस पॉडकास्ट का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है कि आप शादी कब कर रहे हो, फाइनली रिवील कर दो कि आपकी शादी कब है एंड आप शादी कब कर रहे हो, एंड कौन आप शादी करोगे तो कौन कौन से यूट्यूबर आप इनवाइट करोगे, वो भी आज बता दो आप। तो शादी जो हमारा है वो अभी तो फिलहाल कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि घर में अभी बहुत सारा काम है, बहुत बहुत इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे को, जैसे बाथरूम वगैरह, मतलब घर बनने के बाद जितने भी काम होते हैं ना भाई, सब काम बाकी हैं, इसलिए शादी का भाई कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। और यूट्यूबर्स में जो भी संपर्क में जिनसे मिल चुके हैं लगभग में, उन्हीं को बुला सकते हैं, और देखते हैं गाइज, और शादी का ब्लॉग तो आएगा ही, आप देखना। हाँ। ठीक है, और आपका मतलब किन यूट्यूबर्स के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, किस मतलब रिलेशन, किस कौन सा यूट्यूबर आपको बहुत पसंद है? मैं सही बताऊँ ना तो मैं विजय रिया से बहुत बार मिल चुका हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कनेक्ट एकदम, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। और वहीं उन्हीं के बगल में रंगीला फैमिली ब्लॉग में है, और शंकरों का नाम के भी दो तीन यूट्यूबर भाई लोग हैं, और मनोज भैया से भी मिल चुका हूँ, सनातन भैया से भी मिल चुका हूँ, तो इन सब से मतलब बातचीत वगैरह हो चुका है, और किसी को पार्टिकुलर को ये नहीं कह सकते कि इनसे मेरा मेन है। हाँ, मतलब सबसे इनका अच्छा खासा बॉन्ड है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये भी जानना चाहता हूँ कि मनोज भाई का रियल में कैसा, मतलब कि कैसे वो बातचीत, उनका नेचर कैसा है, क्योंकि हम लोग वीडियो में देखते हैं बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, तो आप आज की इस वीडियो में बताओ कि मनोज दे जो है यूट्यूबर, तो उनका नेचर कैसा, आप तो डायरेक्ट मिल चुके हो, ठीक है, तो आप बताओ कि कैसा उनका, कैसे वो बिहेव करते हैं अगर कोई बंदा जाता है तो। देखिए, हम तो यूट्यूबर है, तो हम लोग यूट्यूबर का एक अलग लाइफ होता है, हमें जो जो है भाई क्लियर, हम एक यूट्यूबर है, वो भी एक यूट्यूबर है, तो समझते हैं, तो इस मेरे को एक यूट्यूबर से नजर से देखते हैं, बाकी जो एक ऑडियंस के नजर जाते हैं, ऑडियंस के नजर से जिसको देखेंगे, सब्सक्राइबर जो जाते उसका मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि मैं क्या ही बोल दूं, अब जिस देखूंगा तब ना, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली थी, बैठकर साथ में खाना खाए थे, इधर उधर घूमे थे भाई, बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही अच्छे बंदे हैं, कुल मिला के भी कहने का मतलब है गाइस कि अगर आप यूट्यूबर हो, ठीक है, जो मेहनत करता है उसे मनोज दे 100% सपोर्ट करता भाई, ही करता 101% भाई। हाँ, वो बंदा भाई एकदम जेनुअन है, एंड मेरे को भी जेनुअनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उसे 2017-18 से फॉलो कर रहा हूँ गाइस, जब उसके 1,00,000 सब्सक्राइबर थे तब से, एंड इन फ्यूचर मनोज भाई से मिलेंगे भी, ठीक है, अभी तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो 40K सब्सक्राइबर है, इन फ्यूचर मिलेंगे तो गाइस आपको भी मिलेंगे, तो उनके साथ पॉडकास्ट तो आएगा, अभी तो उस लायक नहीं हूँ, बट मेहनत कर रहा हूँ गाइज, इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लास्ट में गाइज वीडियो चलो यहीं पर एंड कर लेते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, एंड मैं मुकेश भाई से बहुत ही ज्यादा टाइम लिया हूँ, क्योंकि इनका भी अभी ब्लॉग एडिट करना है गाइज, एंड ब्लॉग को छोड़ के मेरे को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं गाइज, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा मेरे को बनाना है, एडिट करना जरूरी की बात है। हाँ, अभी एक ब्लॉग बनाना भी है एंड एक प्रमोशन वीडियो भी है, उसे भी देना है 6 बजे तक गाइज, फिर भी मैं आया इतना दूर से, फिर भी मुकेश भाई ने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, और क्या कहते हैं मेरे साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं गाइस, मैं यहाँ से 1 घंटा होने वाला है गाइस, मेरे को 1 घंटे से ज्यादा का टाइम दे चुके हैं। तो मुकेश भाई, वीडियो को चलो यहीं पर एंड कर लेते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहते हो कि वीडियो इस पॉडकास्ट को लाइक करे, शेयर करे, भाई सब प्रयागराज से मिलना है, इतनी दूर से मिलना है, तो जरूर इनके अंदर कुछ ना कुछ तो उम्मीद होगी ना भाई, तो भाई इसी उम्मीद को आप लोग बरकरार रखिए, और अगर आप लोगों ने इस छोटे से प्यारे से इंटरव्यू पॉडकास्ट को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज यहाँ गरीब एमएस ब्लॉग यानी मुकेश भाई ने बोल दिया, तो गाइज सब्सक्राइब का जो बटन हो जाके तोड़ दो, फोड़ दो, एंड लाइक हो जाना चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, एंड जो भी क्वेश्चन आप मुकेश भाई के रिलेटेड पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर दो, इन फ्यूचर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं इनसे पूछूंगा, एंड काफी अच्छा पॉडकास्ट आएगा नेक्स्ट बार, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है एंड काफी ज्यादा टाइम दे चुके हैं मुकेश भाई, तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड कर लेते हो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल गाइज, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।